अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल यूजर्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। आज इंशाल्लाह आप लोगों के सामने मैं ज़िलाई जमीयत अहले हदीस बुल्डाना की कारकर्दगियां, उनकी दावती सरगर्मियां और उसके अलावा जो भी रिफाही काम करती है उसके बारे में मैं आपको तफसील से चंद मिनटों में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले दावती सरगर्मियों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो मस्जिद है मोहम्मदी मस्जिद, तो यही हमारी दावती सरगर्मियों का मरकज़ है। इसी मस्जिद से हम दावती सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। तो इस मस्जिद के ताल्लुक से मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इस मस्जिद में ख़वातीन के लिए और मर्द हज़रात के लिए दोनों के लिए अहतमाम है। और मस्जिद में जो और बुल्डाना शहर में मकामी सतह पर हफ्तेवारी दर्स होते हैं, जिसमें पीर के रोज़ बाद नमाज ईशा इस मस्जिद में दर्स होता है हर हफ्ते। इसी तरह जुमेरात के रोज़ इकबाल नगर में बाद नमाज ईशा दर्स होता है और जुमा के रोज़ बाद नमाज ईशा जौहर नगर वहाँ पर दर्स होता है। और ऐसे ही हफ्तेवारी दर्स अब मकामी जो दूसरे गांव हैं, मेहकर हो गया, फिर उसके बाद देवल घाट, पिपलगांव, राजा मलकापुर वगैरह, वहाँ पर भी अपने अपने मकाम पर अपने अपने लिहाज से हर हफ्ते दर्स का सिलसिला जारी है। इसी तरह महीनेवारी दर्स ये महीने में एक मरतबा लिया जाता है, जिससे बाहर से कोई बैरून मेहमान मुकर्रर को बुलाया जाता है और एक थोड़ा बड़े तौर पर सिर्फ मुकामी सतह पर यह दर्स लिया जाता है। इसी तरह हर तीन महीने में तरबियती प्रोग्राम होता है ज़िलाई सतह पर, क्योंकि बुल्डाना ज़िला में 15-16 जगह अहले हदीस हजरात पाए जाते हैं और सिवाय बुल्डाना के और चंद एक दो जगह के आलिम कहीं मैसर नहीं है, आलिम कहीं मुहैया नहीं है। तो वो लोगों को ज़्यादा चांसेस है आलिम ना होने की वजह से, कि वो आलिम से दूर होने की वजह से वो कहीं दूसरी जगह भटक ना जाए और कहीं गुमराह ना हो जाए। इसलिए हर तीन महीने में बड़े उलमा को बुल्डाना बुलाया जाता है और तमाम ज़िले के साथियों को जोड़ा जाता है और उन्हें बाकायदा बुल्डाना जमीयत के अहबाब वहाँ जा जाकर उन्हें दावत देते हैं और वो लोग सब यहाँ पर जमा होने के बाद एक दिन भर का हर तीन महीने में या चार महीने में तरबियती प्रोग्राम रखा जाता है। इस प्रोग्राम में अभी तक मौलाना शेख अबू जैद ज़मीर हफीज़ुल्लाह, डॉक्टर तारिक मंसूरा के हफीज़ुल्लाह वो आए हैं, यासिर अल जाबरी हफीज़ुल्लाह, शेख अबू रिजवान मोहम्मदी हफीज़ुल्लाह, हाफिज़ जमील साहब, ये बड़े बड़े उलमा आते हैं और उन लोगों का की तरबियत करते हैं ताकि वो लोग उलमा से टच में रहो, इसका मकसद ये है। इसी तरह ख़वातीन के लिए ख़ास हर दो महीने में या तीन महीने में एक और प्रोग्राम रखा जाता है, जिसके लिए मुंबई से आलिमा हजरात आते हैं और सिर्फ ख़वातीन के लिए इज्तिमा मुनक़िद किया जाता है। दूसरा बुल्डाना शहर में सबसे अहम ज़रिया यहाँ का मकतब, ये मकतब जो है अपने इसी मोहम्मदी मस्जिद में होता है। इसमें 120 तलबा पढ़ते हैं और रोज़ाना 5 बैचेस इस मकतब के चलाए जाते हैं, जिसमें ईशा की नमाज के बाद सिर्फ बड़ी उम्र वालों के लिए अहतमाम किया गया है। और इस मकतब के सिलेबस के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि इसमें मोहम्मदी कायदा चलाया जाता है और अरशद बशीर मदनी हफीज़ुल्लाह का एक इस्लामी स्टडीज़ का सेट है, जिसमें 5 साल की उम्र वालों के और या उससे ज़्यादा, 7 साल और उससे ज़्यादा, 9 साल और उससे ज़्यादा, बच्चों की उम्र के हिसाब से, उम्र के लिहाज से उन्होंने इस सिलेबस को तरतीब दिया है। उस सिलेबस को उनकी निगरानी में और मुरतब करदा इस सिलेबस को यहाँ पर पढ़ाया जाता है और इसी सिलेबस को हथरून और मेहकर वगैरह में भी चलाया जा रहा है इसी तर्ज पर। यहाँ के इस मदरसे के तलबा को इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उनके जहन में लोगों की खिदमात और हुकूकुल इबाद के जज्बात भी पैदा हो। उन बच्चों को यहाँ के सरकारी दवाखाने में लेके जाया जाता है इयादत के लिए, फ्रूट्स उनके हाथों से तकसीम किया जाता है, इसी तरह उन्हें शहर में या शहर के अतराफ में लेके जाकर उनसे शजरकारी उनके ज़रिए कराई जाती है ताकि उन बच्चों में अच्छे कामों का यानी सोशल एक्टिविटीज़ का जज्बा पैदा हो। इसी तरह एक शेड्यूल बनाया गया है बच्चों का महाना तालीमी अहवाल का, जिसमें बच्चा 5 वक्त की नमाजें
की अदायगी, इस पर मार्क्स है, बच्चे का इस्लामी लिबास, इस पर नमाज है, बच्चा रोज़ कितनी तिलावत करता है कुरान की, इस पर उनके उसके लिए मार्क्स है, बच्चा दुआ और अस्कार कितनी हिफ्ज कर रहा है और कितना उसका अहतमाम करता है उस पर मार्क्स है, टीवी से वो किस हद तक इज्तनाब करता है, किस हद तक बचता है उस पर मार्क्स है। इसी तरह दावत दीन, बच्चा किन लोगों को दावत दीन दे रहा है, कितने लोगों को दावत दीन दे रहा है, इस पर उन्हें मार्क्स है हर महीने। ये पूरा उनका महाना तालीमी अहवाल का जायज़ा लिया जाता है और बाकायदा एक फॉर्म है, वो फॉर्म भर के बच्चों को नंबरात दिए जाते हैं और इसे यकीन जानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कई लोग कुरान और सुन्नत पर इसलिए आए ताकि उनके बच्चों ने उन्हें दावत दी, अपने छोटे छोटे बच्चों की दावत पर कई पेरेंट्स यहाँ पर कुरान और सुन्नत कबूल किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और बच्चों में भी दीनी जज्बा और शऊर पैदा हो रहा है और बच्चे नमाज के पाबंद हो रहे हैं, टीवी से बच रहे हैं, इस्लामी लिबास पहन रहे हैं और जो बच्चा इसमें फर्स्ट आता है उसे इनाम दिया जाता है, सेकंड और थर्ड उन्हें भी इनाम दिया जाता है और इसी चीज़ को सामने रखकर बच्चे का ओवरऑल पूरा ईयरली कैसा परफॉर्मेंस है तो उसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है साल के आखिर में जब यहाँ पर बच्चों का सालाना जलसा लिया जाता है। इसी तरह बच्चों को तकरीर करने की डेयरिंग के लिए उनके तैयार किया जाता है, नशीद पढ़ने के लिए, इस्लामिक ड्रामास वगैरह ये करने के लिए उन बच्चों को तैयार किया जा रहा है, आलिम साहब वगैरह सब उन बच्चों को तैयार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सालाना इम्तिहान में, यहाँ के सालाना जलसे में बहुत अच्छे तरह उस पर जो है बच्चे अपनी तकरीरें करते हैं, बयानात देते हैं। और बुल्डाना में इस मदरसे के अलावा बुल्डाना और अतराफ में जहाँ कहीं भी कोई कंपटीशन होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के बच्चे, इस मकतब के बच्चे पहले या दूसरे नंबर पर। नशर व इशाअत में यहाँ पर एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका इस्तेमाल भी बुल्डाना जमीयत बहुत अच्छी तरह से कर रही है। यूट्यूब पर बुल्डाना जमीयत का एक चैनल चल रहा है IGC बुल्डाना के नाम पर जिसके 4,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पर IGC बुल्डाना के नाम पर पेज है, इसी तरह अवामी बैतुल माल के नाम से भी एक पेज है, इसी तरह इंस्टाग्राम पर IGC बुल्डाना और अवामी बैतुल माल के नाम पर एक पेज है, ट्विटर हैंडल है अवामी बैतुल माल के नाम से। तो इसमें ऑथेंटिक उलमा के, मुस्तनद उलमा के, सेल्फी उलमा के बयानात अपलोड किए जाते हैं, जमीयत की कारकर्दगियाँ बयान की जाती, प्रिंट का इस्तेमाल करके भी नशर व इशाअत की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के किताबचे, पम्फलेट्स और कैलेंडर वगैरह यहाँ से छपाए जाते हैं। उसकी ये कुछ मिसालें हैं, ये एक किताब है अबू अब्दुल्ला अल मदनी की, एक शिर्क जिससे बचना ज़रूरी है, तावीज़ के ताल्लुक से किताब है शेख अरशद बशीर मदनी हफीज़ाहुल्लाह की, ये सुबह और शाम के असकार है, ये एक किताबचा यहीं से छपा है। इसी तरह ये इस तरह के कुछ पॉम्फलेट्स वगैरह और बैतुल माल के ताल्लुक से और ईदैन के ताल्लुक से, इसी तरह अपने ज़कात के मसाइल के ताल्लुक से, फ़ज़ाइल के ताल्लुक से, ये ऐसे किताबचे और ऐसे तरह पॉम्फलेट छपाए जाते हैं। तो ये तो हो गया दावती सरगर्मियाँ, इन सब चीज़ों में काम करती है। इसके अलावा रिफाही काम में बुल्ढाना जमीयत अलहदीस क्या काम करती है, तो रिफाही कामों में सबसे बुनियादी काम यहाँ का बैतुल माल है। बुल्डाना बैतुल माल, ये बुल्डाना के अलावा मेहकर, मलकापुर, शेगांव, बारसी टाकली, जामोद, देवलगांव राजा, पिपलगांव राजा, धाड़ और देवलघाट में भी चलाया जाता है। इसी तर्ज पर यानी कि कहीं छोटे पैमाने पर, कहीं बड़े पैमाने पर, तो मैं बुल्डाना की बात करूँगा कि बुल्डाना शहर में और अतराफ के 55 ऐसे गरीब घर हैं जिसको बुल्डाना हर महीने, बुल्डाना बैतुल माल हर महीने राशन तकसीम करता है। हर महीने की 10 तारीख को जो यहाँ से आकर ले सकता है तो वो लेके जाता है और जो यहाँ आने से आ नहीं सकता तो जमात के अहबाब उनके घरों पर जाकर उन्हें वो राशन तकसीम करते हैं। इस तरह उन्हें ये किताब दी गई है राशन कार्ड की शक्ल में, तो वो आते हैं इसमें एंट्री कराते हैं या जाकर उसमें एंट्री कराते हैं, तो इस तरह से साइन वगैरह भी इसमें होती है। तो ये पूरा सिस्टम है इनका और ये जो गरीब है ये ऐसे ही नहीं बस कि ये गरीब है और उन्हें दे दिया गया, बाकायदा उनका सर्वे किया गया। अहबाब जमात हर साल जाते हैं और उनका सर्वे करते हैं और सब चीज़ें देखते हैं कि वाकई ये गरीब है या नहीं है, आसपास के लोगों से जायज़ा लेते हैं,
और उनके घर में टीवी है, टीवी केबल है, अगर ऐसे सब चीज़ें हैं तो उन्हें नहीं देते। इसी तरह वाकई इनकी इनकम कितनी है, इनके घर में कितने लोग हैं, तो ये सब देखकर इन्हें आखिरी में फाइनल में डिसाइड करते हैं कि वाकई ये घर मुस्तहिक है या नहीं। बुल्ढाना अवामी बैतुल माल हमारी जमात पर लोगों को, दूसरे जो बैतुल माल चलाते हैं उन्हें इतना एतमाद है कि वो हमसे लिस्ट मांगते हैं और कहते हैं कि आपका जो सर्वे है हम उससे मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से इन 55 घरों को बुल्ढाना बैतुल माल की तरफ से राशन तकसीम किया जाता है। इसी तरह इन्हीं लोगों को रमज़ान और ईदैन में खुसूसी किट मुहैया करवाया जाता है राशन का। इसी तरह रोज़ा अफ्तार और सहरी का इंतज़ाम भी बैतुल माल की तरफ से उन गरीब घरों के लिए एहतमाम किया जाता है। ईदैन में उनके बच्चों को, उनकी ख़वातीन को कपड़े तकसीम किए जाते हैं, और गर्मियों में, क्योंकि बुल्ढाना और अतराफ़ में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, तो इस साल गर्मियों में पानी के टैंकर, आरओ पानी के टैंकर ठंडे वाले बुल्ढाना शहर में और अतराफ़ देवलघाट राजूर वगैरह में फ्री लोगों को टैंकर लेके जाकर पीने का पानी तकसीम किया गया। इसी तरह पानी मार्केट में बुल्ढाना के वहाँ पर पानी के जार लगाकर लोगों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया। ऐसे ही जो लोग जो घर गरीब है उसमें अक्सर तो ऐसे है कि उसमें कोई कमाने वाला ही नहीं है, ना ही वो कोई कम कुछ अपना कारोबार करने के लायक है। अक्सर उसमें बेवा और यतीम बच्चे हैं, और कोई ऐसा शख्स है जो बहुत बड़ा मरीज़ है जो कोई कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनमें कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है, तो बैतुल माल की तरफ से उन्हें कारोबार करने में मदद की जाती है। ख़ास तौर से औरतों को सिलाई मशीन दी गई ताकि वो अपने घर में अपना कारोबार कर सके, सिलाई कर सके, और जो है अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी किफालत खुद कर सके। ऐसे ही जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई में ख़ास तौर से मदद करते हैं पैसों से, और उन्हें जो भी किताबें बयादें वगैरह लगती हैं, बैग वगैरह लगते हैं, तो वो भी उन्हें दिया जाता है। ऐसे जो गरीब मरीज़ हैं, तो उन मरीज़ों का फ्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। उन लोगों के लिए ये कार्ड मुहैया किया गया है। बुल्ढाना में हॉस्पिटल है, तो ये बैतुल माल की तरफ से ये कार्ड उन्हें दिया गया है, उन सब के फ़ोटो है। तो ये कार्ड अगर उन्होंने उस हॉस्पिटल में लेके गए तो वो लोग, तो उस हॉस्पिटल में उनका फ्री में चेकअप किया जाता है। ऐसे ही हर दूसरे शनिचर को अहबाब जमात यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल में, लोगों की खैर ख्वाही करते हैं, उनकी इयादत करते हैं, फल फ्रूट्स लेके जाते हैं और उन्हें फ्रूट्स तकसीम करते हैं, ताकि वहाँ कई गरीब लोग भी आते हैं जो दूसरे देहातों के होते हैं, ताकि मालूम हो सके कि यहाँ कोई मजबूर और कोई मुस्तहिक शख्स तो नहीं है। अगर वो मिलता है तो फिर उनकी मदद की जाती है पैसों से या दवाइयों में, अगर किसी भी तरह से अगर उनकी मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। कि किसी को खून की ज़रूरत हो, अगर वो खून नहीं ले सकता, तो बुल्ढाना की तरफ बैतुल माल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ये हर साल या साल जब तक हमारे पास खून का स्टॉक होता है, तब तक, अब जब खून का स्टॉक ख़त्म हो गया तो फिर एक कैंप लिया जाता है। इसी मस्जिद में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम भी किया जाता है, ताकि गरीबों को और मुस्तहिकों को खून हम मुहैया करवा सके। तो ये हो गया बैतुल माल। इसी तरह रिफाही काम में एक और काम बुल्ढाना जमीयत अहले हदीस की तरफ से होता है, कि जो घरेलू मामलात होते हैं, ख़ास तौर से मियाँ बीवी के मामलात, कोई किसी के घरेलू झगड़े हैं, तो उन घरेलू झगड़ों को में उनकी इस्लाह करवाने के लिए भी बुल्ढाना जमीयत अहले हदीस के कुछ हजरात जो है इस शोबे में काम कर रहे हैं, और इस मस्जिद से ही वो काम होता है। लोग अपने मामलात लाते हैं घरों पे, अगर किसी मियाँ बीवी के कोई झगड़े हैं या फिर कोई विरासत का कोई झगड़ा है, तो उन झगड़ों की सुलह कराने के लिए यहाँ से हजरात जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें एक करने की कोशिश करते हैं। अभी तक 45 घरों की ऐसी इस्लाह हो गई है। कहीं लड़कियाँ दो दो साल घरों में बैठी थी, कई लड़कियाँ छोटी छोटी वजह से कई महीने घरों में बैठी थी, अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ ही गए, दोनों पार्टियों के घर गए, उन्हें समझा बुझा कर उनके दरमियान सुलह कराए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 45 ऐसी लड़कियां हैं जो घरों में बैठी थी, वो वापस उनके शोहर के साथ आज रहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक काम
बुल्डाना जमीयत की तरफ से किया जाता है। तो ये कुछ काम थे बुल्डाना जमीयत के, जो बुल्डाना जमीयत अहले हदीस ये अंजाम देती है। इसके अलावा आइंदा के अजायम हमारे क्या है, तो आइंदा के अजायम में सबसे बड़ा अज़्म हमारा ये है कि हम उलमा से बाकायदा किताबी दरूस का अहतमाम किया जा करना चाहते हैं, कि हम हमारा हर 3 महीने में एक तरबियती कैंप तो होता है, तो उससे बेहतर है कि कोई किताब किताबु तौहीद हो, उसूल सलासा हो, तो बड़े उलमा को दावत मदु करके एक 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 दिन दो दिन के कंटिन्यू दरूस रखे जाए, ताकि लोग अपने अपने अकीदा और अपने मनहज में मजबूत हो। इसलिए किताबी दुरुस्त का अहतमाम करना, इसी तरह हिफ्ज़ सेंटर का यहाँ क़याम करना। मकतब में हिफ्ज़ सेंटर तो चलता है, लेकिन वो अभी इतना स्टेबल नहीं है। बैतुल माल की तरफ से एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करना है, अपने बैतुल माल के खुद की जमात की एम्बुलेंस लेकर जो ज़रूरतमंद है उन्हें एम्बुलेंस की सर्विस मुहैया कराना। इसी तरह जमात का एक अपना दवाखाना, एक अपना क्लिनिक कायम करना, क्योंकि अभी इतने पैमाने पर इतनी ज़्यादा इनकम ना होने की वजह से ये काम हम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्ज़ में मुलविस है, या जो लोग कर्ज ले रहे हैं सूद से, तो उन्हें सूद ही कर्ज से बचाने के लिए उन्हें कर्ज हसना इस बैतुल माल से दिया जाए। अभी तो कुछ छोटे पैमाने पर ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह अगर इनकम बढ़ गई तो बड़े पैमाने पर इस चीज़ को, अगर वो सूद से कर्ज ले रहे हैं तो बैंक से कर्ज ले रहे हैं तो वो ऐसे ही तो उन्हें कर्ज नहीं दे देंगी, वो कुछ ना कुछ उसके पास रखेंगी, सोना वगैरह कुछ ना कुछ गिरवी रखेंगी। अगर वही चीज़ वो सोना वगैरह अगर बैतुल माल में बतौर ज़मानत रखे और यहाँ से बिला सूदी कर्ज ले, तो ये चीज़ भी जो है यहाँ पर उसके लिए भी हमारा अज़्म है कि इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह हम जो है एक बड़े पैमाने पर करें, ताकि लोग सूद से बचें। तो ये हमारे कुछ अजायम थे और ये कुछ काम थे बुल्डाना जमीयत अहले हदीस के।